तो आगे भाई अंदर गाड़ी में पूरी लग्जरी फील हो रही है भाई, बिल्कुल साइलेंट कुछ भी है। तो हो गए इस गाड़ी के टायर भी चेंज, तो अब एयर फिल्टर करना है साफ। एयर फिल्टर साफ करने के लिए भाई केबिन इसका थोड़ा उठाना पड़ा। तो वहाँ से निकल आए, पहुँचाए बम्पर जहाँ पे भाई केसर, ये रहे केसर के खेत पूरे भी जितने भी आपको नजर। तो आगे अपने अरशाद भाई भी आने दे। Assalamualaikum guys and good morning, welcome back to my channel Dibu Khan. I hope सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपका दिबू भाई लेके आ गया एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था एक बाइक, मतलब बाइकों का रिव्यू। तो भाई आज फिर से जा रहे हैं वापस ट्रक लाइफ में। तो चलो सुबह के बज रहे हैं भाई 6, तो चलो आपका भी ज़्यादा समय ना गवाते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। फिर से भाई वापस चले गए ट्रक पे, तो मिलते हैं थोड़े समय बाद। ओके ओके। तो पहुंचा है भाई इसी के साथ आज से ये गाड़ी अपने पास भाई भारत बेंज। फुल रिव्यू भी देंगे इसका। तो ये दूसरे भाई इनके पास भी आज के बाद ये भी ये वाली भारत बेंज चलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मतलब ब्रांड न्यू भाई, अभी कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं चढ़ा है। पीछे तो वही लुक है सेम, बट आगे देखेंगे। अभी मैं भी खुद भी नहीं चढ़ा, अभी जस्ट पहुंचे हैं भाई। आप देख सकते हैं गाड़ी तो बड़ी कंफर्टेबल दिख रही है भाई, माशाल्लाह भाई बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप करेंगे इसमें टायर लगाएंगे, दूसरे जो लिफ्ट वाले हैं वो चेंज करके नए टायर रखेंगे, क्योंकि बाद में वो आगे काम आएंगे। इस गाड़ी में भी करते हैं चेंज और उसमें भी, उस पर मैं रहूँगा और भाई, और ये दूसरा है हमारा अरशाद भाई, मिलाते हैं बाद में इनसे भी आपको। चल भाई, तो निकल गए भाई, आने दे अरशाद भाई। चलो चलो चलो। चल 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 जान दे। तो आगे भाई अंदर गाड़ी में पूरी लग्जरी फील हो रही है भाई, बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी इतनी पोल्यूशन नहीं है जैसे टाटा के मुकाबले। तो फुल रिव्यू वीडियो भी आएगा, पहले जाके भाई जो लिफ्ट वाले टायर है वो करते हैं चेंज, उधर लगाते हैं मतलब जो थोड़े चले हुए टायर है वो, क्योंकि लिफ्ट वाले टायर बाद में आगे काम आएंगे भाई थोड़े समय बाद। तो अरशाद भाई क्या फील हो रहा है गाड़ी चलाने का, बढ़िया हो रहा है, कैसा लग रहा है जैसे छोटी गाड़ी चला रहे हो? भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है। तो पहुंचा है भाई टायर वाले के पास, अपनी गाड़ी ये लगा दी इधर। तो अरशाद भाई को पहले करते हैं उस गाड़ी के टायर चेंज, फिर इसके क्या गए। एक गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, तो अब दूसरी लाएंगे। ये वाले निकाले भाई नए टायर, जल्दी भाई जल्दी जल्दी जल्दी। एक गाड़ी के टायर पलटी कर दिए, अब करेंगे इसके, वो लगा दी उधर सामने। तो इसके टायर पलटी करके देखते हैं फिर क्या सीन रहता है। अभी सामान भी लेना है जैसे गैस हो गए, बर्तन, सभी मतलब सभी चीज़ें लेनी है। तो चलो करते हैं इसके टायर भी चेंज, स्टेपनी भी उतारते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे एक ही बार। तो हो गए इस गाड़ी के टायर भी चेंज, तो अब एयर फिल्टर करना है साफ। एयर फिल्टर साफ करने के लिए भाई केबिन इसका थोड़ा उठाना पड़ता है, आप देख सकते हैं इम्तियाज भाई, अरशाद भाई ने उठा दिया केबिन, हमने तो उस गाड़ी का कर दिया एयर फिल्टर साफ, अब इसका करना है। ये देख सकते हैं जैक पे उठता है, बस थोड़ी सी ये समस्या है भाई, बाकी अंदर आपको नज़र देखें गेयरबॉक्स कहाँ नज़र आ रहा है।
तो पहुंचाए नारबल, अगर यहाँ से भाई राइट जाएंगे तो सीधा गुलमर्ग, तो हमें आगे जाना है भाई श्रीनगर की तरफ। तो अभी श्रीनगर है अपना यहाँ से 14 किलोमीटर, तो आप देख सकते हैं व्यू भाई अलग ही। तो यहाँ से भाई सीधा हो गया श्रीनगर सिटी, तो हमें जाना है हाईवे पे आगे और पहुँचने वाले हैं जो फ्रूट मंडी है श्रीनगर वहीं पे। तो व्यू एकदम बढ़िया आ रहा है भाई, मतलब बहुत ही मतलब अलग ही इस गाड़ी में ऐसा है कि मतलब व्यू ज़्यादा से ज़्यादा बंदा दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रही भाई कश्मीर की कली, इसको बोलते हैं कश्मीर की कली। अंदर फ्रूट मंडी है श्रीनगर वाली, ये देख सकते हैं आप। तो उतर के भाई 4 लाइन से तो आप मुड़ गए अब सनत नगर की तरफ। तो फाइनली भाई पहुंच आए इंडस्ट्रियल एरिया में, तो अभी खोलेंगे भाई साहब गेट, तो गाड़ी घुसाएंगे अंदर, तो लोड हम ही करेंगे अपने वाली गाड़ी में। तो देखते हैं लोड कहाँ का है, जम्मू का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, कोई अभी इस बारे में पता नहीं है। तो बर्तन भी एडजस्ट नहीं किया, अभी ऐसे ही रखें, तो आगे जाएंगे भाई वहाँ करेंगे जाके एडजस्ट जैसे ही मतलब यहाँ से लोड करके निकलेंगे। चलो करते हैं गाड़ी अंदर। तो मेन चीज़ इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब व्यू पूरा आ सकता है भाई, सब मिरर ही मिरर है, मतलब इसमें साथ में बंदे को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब साइड दिखानी इतनी ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी कम्फर्टेबल है गाड़ी भाई, बहुत ही मतलब ज़्यादा अलग ही फील होता है बैठ के, ऐसा लग रहा है लग्जरी, मतलब बिल्कुल टॉप मॉडल इनोवा में बैठे हैं भाई आप जैसे। चलो मिलते हैं थोड़े समय बाद। तो अब लगाएंगे भाई गाड़ी लोडिंग के लिए छोटे छोटे ड्रम है, 30 के 40 ड्रम, वही भरना है गाड़ी में कोई जूस है। तो करते हैं पहले लोडिंग भाई। गाइस अभी गाड़ी लगाई है, बोल रहे हैं कोई कंफर्म नहीं है लोडिंग होगी, क्योंकि जो जूस था वो बोल रहे हैं थोड़ा कम है, आपको वेट करना पड़ेगा, अभी पता लग जाएगा आधे घंटे तक अगर हो गया माल इनके पास बराबर तो भर लेंगे, नहीं हुआ तो निकल जाएंगे यहाँ से खाली जम्मू के लिए। तभी मतलब कोई ये पता नहीं, अगर लोड हो जाएगी तो फिर देखते हैं, पता नहीं जम्मू जाना है दिल्ली जाना है कहाँ। तो मैं कर रहा हूँ अब थोड़े कपड़े वपड़े एडजस्ट, तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। ऐसे ही वीडियो पे आप बने रहें और ऐसे ही अपनी स्पोर्ट बनाए रखें। तो वहां से निकल आए, पहुंचाए पांपर, जहाँ पे भाई केसर, ये रहे केसर के खेत पूरे भी जितने भी आपको नजर आ रहे हैं साइड पे, इस साइड या इस साइड सभी केसर के खेत हैं। और लोड नहीं किया क्योंकि माल उनके पास अभी पूरा तैयार नहीं था, एक ही गाड़ी को दे रहे थे, फिर हम दोनों ने नहीं किया लोड, तो आगे वापसी। तो अब जाएंगे आगे काजीगुंड में, तो मौसम इधर का अभी एकदम बढ़िया है, क्या ही बोले। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा भाई गाड़ी का, पूरा रिव्यू बताएंगे, मतलब पूरा क्या क्या गाड़ी में फ्यूचर है, क्या क्या मतलब सुविधाएं, मतलब टाटा से बेटर क्या है, टाटा से कम क्या है, वो सब आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ पर हो चुके हैं अपना पार, तो अभी रुके भाई, अभी पियेंगे चाय, क्योंकि दिन को अराउंड 12 बजे खाया था खाना, तब से अब तक कुछ नहीं खाया, पानी की एक घूट ना वो भी नहीं पी, तो अभी पीते हैं चाय। आ जाए अरशाद भाई भी तो गाड़ी पार्क कर दे वो भी, तो पीते हैं चाय, तो फिर देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं, तो मिलते हैं आपको फिर। तो आगे अपने अरशाद भाई भी आने दे, तो बिल्कुल सेम है भाई दोनों गाड़ियां, आप देख सकते हैं कोई भी मतलब फर्क नहीं है कुछ भी।
पूरा ना पूरा। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है मेरी गाड़ी कौन सी और अरशाद भाई की कौन सी, क्योंकि नंबर अभी चढ़ा ही नहीं है अभी गाड़ी में। तो चलो पीते हैं चाय अब। तो चाय पी ली भाई, तो अब करते हैं भाई आज भारत बेंज ट्राई, देखते हैं इसका क्या मजा है चलाने का भाई। ओ भाई साहब, करते हैं ट्राई। तो चलो निकलते हैं फिर, साथ में दूसरी वाली भी। ये गाड़ी तो आगे धोएंगे किसी जगह भाई, शो भी गाड़ी की, केबिन छोटा ही सा है अंदर आप देख सकते हैं, फुल रिव्यू भी बताएंगे आपको। तो चलो करते हैं भाई फिर कंटिन्यू यहाँ से भाई। हाँ तो गाइस मतलब बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने भी भारत वैन चलाई थी। तो अभी काजीगुंड पहुँचाएँ, काजीगुंड से पीछे ही है लवडारा नाके पे। तो अभी एडजस्ट किया भाई, ये देख सकते हैं आप मसाले वसाले अपनी गाड़ी में भी की, अब भाई की गाड़ी में आया था जो अरशाद भाई के साथ, भाई ये इनके साथ आया। तो अब इस गाड़ी में बन रहे हैं भाई चावल, तो मेरे वाली गाड़ी में वो जो आगे खड़ी है इधर उसमें सब्जी बन रही है। तो अभी खाएंगे भाई खाना, तो टाइम भाई 11 बजने वाले हैं रात के। मसला ये है कि दूसरी गाड़ी पे आके एडजस्ट करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस गाड़ी से उतरे उसमें अपना हिसाब था, इसमें अपना हिसाब है, उसमें जो मतलब स्पेस थी बहुत ज्यादा थी भाई। तो अब इस पे कर लिया थोड़ा सा एडजस्ट, वो कल बताएंगे कैसे क्या किया कैसे। आज से व्लॉग मतलब इसी गाड़ी पे आएंगे, जब तक हुई रिज़्क इस गाड़ी पे तो तब तक आएंगे। गाड़ी ये भी भाई इसी मालिक की है, गुलजार ट्रेडर्स की, ऐसा नहीं सोचना किसी और मालिक की है, क्योंकि उस और गाड़ियां ये आई तो बस उसने बोला जो पहले ड्राइवर है वो नई गाड़ियां चलाओ, उन्होंने बोला ठीक है भाई। तो अब कल मतलब जो नया व्लॉग आएगा भाई वो फुल रिव्यू होगा गाड़ी का, मतलब पूरा दिखाएंगे जो मतलब मुझे पता होगा इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बोलेंगे, है ना भाई। हाँ। मतलब जितना हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो सब बोलेंगे। रखते हैं आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको किसी भी एंगल से व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्टा पे फॉलो कर दें। मिलते हैं एक और अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड अपने दीबू भाई को सपोर्ट बनाए रखो। बाकी लव यू दिल से, अल्लाह।